Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point, जिद से जीत तक। Hi everyone, बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है इससे आप लोग पर्सनली बहुत रिलेट करने वाले हो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, द कंटेंट क्रिएटर्स। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड्स जो हैं उसकी घोषणा कर दी है और उसमें नॉमिनेशंस वगैरह जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं, हम लोग ज़्यादा क्राइटेरिया के अंदर नहीं जाएंगे, हमारे लिए बस ऊपर से थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपका सोशल मीडिया है जो पहले एक बैक रूम में पड़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे फोरफ्रंट पे आ रहा है और सरकार भी उसको जो है बहुत अच्छे से जो है इनिशिएटिव लेके उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। एंड उसमें उसका एक जो पोर्शन है दैट इज दिस वन, द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, है ना, क्रिएटिंग योर इम्पैक्ट। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टली उनका अपना ही इनिशिएटिव है, राइट। उनके अंडर डायरेक्टली इट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई गॉव जो वेबसाइट है उसके थ्रू ही जो है ये पर्टिकुलर अवार्ड्स जो है वो चलेंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ तो कि अवार्ड्स किसने रखवाए हैं, क्या कैटेगरीज होंगी, मेन जो प्री में जो ऊपर नीचे करके पूछा जा सकता है, नॉट ओनली फॉर योर यूपीएससी बट योर फॉर आपका एचसीएस पीसीएस वगैरह जो आपके दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यार ये क्रिएटर्स इकोनॉमी होती क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेंस के ऊपर अगर सवाल आएगा तो वो इसके अराउंड ही आएगा कि यार उनके चैलेंजेस क्या हैं या सरकार के चैलेंजेस क्या हैं इस पूरी चीज के अंदर, या ये होता ही क्या है ओवरऑल, राइट। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और नो डाउट इंटरेस्टिंग भी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनवील्ड द प्रेस्टिजियस नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, ठीक है, एम्ड एट एक्नॉलेजिंग एंड सेलिब्रेटिंग रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द न्यू एज इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, एंड क्रिएटर्स इन शेपिंग इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप। तो ये इन्फ्लुएंसर वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है बच्चे, हर सोसाइटी में एक अपना इन्फ्लुएंसर होता ही है, चाहे जितनी मर्जी कोई छोटी कम्युनिटी है उसमें भी एक इन्फ्लुएंसर होगा, द वन हु इन्फ्लुएंसेस, जिसको देख के आप थोड़े बहुत तौर तरीके सीखते हो, राइट। और हर सोसाइटी में अपने रहा, अगर बचपन में जैसे उस समय तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, अगर आप सोचोगे उस दौर को भी अपनी क्लास याद करके देखोगे या जहाँ पे भी आप पढ़ते थे या मोहल्ला, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी फिगर होगी जो टेक्निकली थोड़ा सा मतलब जिसको लोग देखते होंगे, जिसकी बात सुनते होंगे। ये मैं इन्फ्लुएंस आपको सिर्फ फैशन के सेंस में, है ना, ये ओपिनियन के सेंस में नहीं बोल रहा, ओवरऑल सारी सेंस में थोड़ा सा जो कम्युनिटी उसकी तरफ देख के चलती है, है ना। एनीवन हु इन्फ्लुएंस, है ना, इन्फ्लुएंसेस इज एन इन्फ्लुएंसर, राइट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी वाले जो आपके डिजिटल मीडिया पे जो क्रिएशन है उसकी इन्फ्लुएंसिंग की बात कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। उससे पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं कि व्हाट इज क्रिएटर इकोनॉमी। द क्रिएटर इकोनॉमी इज एन इकोसिस्टम इन्वॉल्विंग क्रिएटर्स, ऑडियंसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मार्केटर्स एंड एजेंसीज इंटरकनेक्टेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ कंटेंट, मनी और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक्सक्यूज मी। क्रिएटर्स सच एज इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स का सब टाइप है बच्चे इन्फ्लुएंसर, वीडियो कंटेंट प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स मोनेटाइज देयर कंटेंट थ्रू स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, मर्चेंडाइज सेल्स, डोनेशंस एंड मोर, ठीक है। तो मतलब कि रेम्यूनरेशन का जो मॉडल है वो कुछ ये वाला मॉडल है, इनकेस अगर कोई इसमें जाना चाह रहा है आप में से भी, तो दिस इज द मॉडल, इनके थ्रू आपको जो है पैसा आता है और इस इकोनॉमी को क्रिएटर इकोनॉमी कहा जाता है, राइट। और इंडिया में क्या लैंडस्केप है, इंडिया में ऑब्वियसली एक रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिल रही है एंड द क्रिएटर बेस इज एक्सपेक्टेड टू सरपास 100 मिलियन इन 2024। इसके अलावा जो प्रोजेक्टेड मार्केट साइज है वो बोल रहा है कि इट विल बी अराउंड 250 बिलियन टू 480 बिलियन बाय 2027, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज चंक है इकोनॉमी का जो कि फ्यूचर में होने वाला है एज प्रेडिक्टेड। आइए बच्चे अब चलते हैं वापस, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है, क्या कर रहा है ये अबाउट द अवार्ड में, फटाफट कुछ मेन पॉइंट। होस्टेड बाय माई गव इंडिया, ठीक है बच्चे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द अवार्ड एनकम्पेंसेस 20 कैटेगरीज इंक्लूडिंग स्टोरी टेलिंग, सोशल चेंज एडवोकेसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, गेमिंग एंड मोर। गेमिंग भी इंक्लूडेड है बच्चे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कैटेगरीज सच एज डिसरप्टर ऑफ द ईयर, सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर, और ये सारे बेसिक जो अवार्ड्स हैं। ये भी इसके अंदर साथ में इंक्लूडेड है। डिसरप्टर ऑफ द ईयर मतलब किसी ने कोई सोशल प्रैक्टिस जो है उसको डिसरप्ट किया हो, राइट। इसके अलावा उसको कोई तबाही मचाने वाली बात नहीं है, किसी इल प्रैक्टिस को डिसरप्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो ये एक इनिशिएटिव है, इसको आप गुड गवर्नेंस में भी डाल सकते हो कि गवर्नमेंट इज फाइनली कीपिंग अप विद द पेस ऑफ ग्रोथ, है ना, ग्लोबलाइजेशन नेटिजन्स हैं हम लोग, है ना, तो उसमें गवर्नमेंट इज कीपिंग अप, राइट। तो ये गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो। द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व नॉमिनेशन फेज, ये सब विनर्स विल बी अनाउंस्ड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ज्यूरी एंड पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक वोटिंग एंड ज्यूरी रिव्यूज दोनों होंगे। ज्यूरी क्या है, कौन है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ के कारण क्या है इसके, मैंने वो भी आपके लिए छोटा कंपाइल किया बच्चे, हालांकि वीडियो में हमारे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, इसमें देखते हैं। रीजंस फॉर ग्रोथ, एक्सेसिबिलिटी, स्मार्टफोन्स का एक्सेस बढ़ा स्पेशली आफ्टर कोविड पेंडेमिक, राइट, उसका एक्सेस बढ़ा और डिजिटल इंडिया की पेनिट्रेशन हुई, हेंस आपका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है इनकी ग्रोथ होना वो लाजमी था, राइट। डाइवर्सिफाइड मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स एनकरेज एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस मोनेटाइजेशन एवेन्यूज बियॉन्ड ब्रांड एंडोर्समेंट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम्स, है ना। तो जो इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्ट, कहने का मतलब ये है, राइट। एंड बच्चे दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। दिस 7-minute टू द पॉइंट सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.